नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम सब महा बीमारी के बीच से गुजर रहे हैं। एक लंबा वक्त हो चुका है लॉकडाउन के बाद में, अब अनलॉक के बीच से गुजर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ बातें हैं, जो भ्रांतियां हैं वो फैली हुई है। दरअसल ये भ्रांतियां जो इस कागज में नोट है, हम उन पर आज बात करेंगे भारत के जाने माने डॉक्टर उमंग खन्ना जी से, और जानेंगे कि सब क्या बातें हैं, किस तरीके से लोगों ने अपने अपने मन में विचार जो बना रखा है, तमाम चीजें हैं उससे आज रूबरू होने की जरूरत है, उनसे परिचय होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को खराब करती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, आपके चाहने वाले या जाने अनजाने में उन लोगों को भी नुकसान होता है जिनकी हम देखभाल करना चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर मंखना साहब से कि क्या है ये सब और क्या माना चाहिए, क्या नहीं माना चाहिए। सवाल वो है जो सोशल मीडिया पर हमने कहा कि तेजी के साथ में वायरल हो रहे हैं, जो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लोगों को बिगाड़ भी रहे हैं। दर्शन नमस्कार। सवाल बहुत से हैं, क्योंकि हम सब एक बीमारी के दौर से गुजरते हुए अब वहां पर आ चुके हैं जहां पे लॉकडाउन हट चुका है, लेकिन इन लॉकडाउन के बीच में तमाम ये सवाल देखिए मैंने नोट कर रखे हैं, और इन सबके बीच में हम क्रम सा जानेंगे आपसे कि सर क्या है, वाकई में क्या है, या लोगों ने सिर्फ भ्रांतियां फैला रखी है, और वाकई में इनका नुकसान किस तरीके से होता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों का। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न जो मैंने अभी हाल ही में व्हाट्सएप पे देखा था कि तब उसमें जो वायरल हो रहा था कि जो एक्सरसाइज लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? एक्सरसाइज करते वक्त मास्क नहीं पहनना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त मास्क इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं मास्क के माध्यम से जब आप ज़्यादा रेस्पायरेट करते हैं तो आपका मास्क टॉक्सीफाई हो सकता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इम्बेलेंस को ख़राब कर सकता है। तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त मास्क नहीं पहनना चाहिए। पहला मेरा जो सवाल था, मेरा पहला पॉइंट था कि एक्सरसाइज करते हुए मास्क पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा है उसको, आप सब लोग अगर ना हो सके तो पेन और कॉपी लेकर भी बैठ सकते हैं और मोबाइल में भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सभी के लिए बहुत जरूरी है ये सब जानना। दूसरा जो सबसे बड़ा सा सवाल आता है कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जूते पहन के ही बाहर जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमसे अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब घर में जाइएगा तो जूतों को जो है पहन के तमाम चीजें सावधानी बरतिएगा, ये क्या सर भ्रांति है जो जूते को लेकर, जो कोरोना फैलाने को लेकर? वो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप शूज को घर के बाहर गैलरी में ही उतार दें, ताकि वायरस नहीं तो कोई और बीमारी, बैक्टीरियल जनरेट डिजीज, कोई भी डिजीज आपके घर में ना पहुंचे, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे होते हैं जो जमीन पे खेलते हैं और हम लोग भी जमीन पे बैठ जाते हैं तो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप जो है बेहतर होगा कि आप जूते गैलरी में ही उतारें। तो तीसरा जो प्रश्न है इसमें मेरे पास व्हाट्सएप पे आया कि जो मास्क का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सर क्या किस तरीके के मास्क होते हैं? सबसे बड़ी बात तो इमेज हुआ कि आप थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए, और इस्तेमाल करने के तरीके क्या है, मतलब हम किस मास्क को कब समय कैसे इस्तेमाल करें, ये भी थोड़ा सा बताना। बहुत बहुत अच्छा आपने बात उठाई। देखिए वास्तव में जो COVID-19 का इन्फेक्शन है वो सबसे अच्छा N95 मास्क से रुकता है, लेकिन जैसा कि भारत सरकार भी कहती है, WHO भी कहता है, आप घर का बना मास्क, आप कपड़े का मास्क, किसी भी प्रकार के मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सावधानी की बात है तो सबसे बड़ी बात है आप एक दूसरे को मास्क एक्सचेंज ना करें। पता लगा भाई जा रहे हैं या वाइफ जा रही है या बच्चे जा रहे हैं, एक है मास्क पुलिस वालों से बचने के लिए आपने सबको दे दिया, ऐसा ना करें। जो जिसका मास्क है वही इस्तेमाल करें, समय समय पर वॉश करता रहे, अगर मास्क को डैमेज हो तो डैमेज मास्क का इस्तेमाल ना करें, और मास्क को नोज पर से पूरा कवर हो, जो आप बाजार का N95 मास्क लेते हैं वहां पे स्टील की पत्ती लगी होती है, तो नोज से कवर होना चाहिए ताकि स्पेस ना रहे वायरस के जाने का। तो ये सावधानियां, और जहां तक मास्क की बात है, क्योंकि अगर आप एक मास्क को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, जो आपने सवाल करा, तो आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इंटॉक्सिफिकेशन का खतरा हो जाता है, क्योंकि मास्क में जो है वह इन्फेक्शंस जमा होने लगते हैं, वो आपकी सेहत को नुकसान कर सकते हैं। तो मास्क को धोते रहें, वॉश करते रहें, यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, दूसरा सबसे बड़ा जो शराब को लेकर जो पीने वाले लोग हैं, मतलब उसको लेकर एक भ्रांति फैली है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता, ये मतलब एक अजीब सा लोगों ने वायरल करके या तमाम चीजों करके बना रखा, इसके बारे में उन लोगों को जरा बता दीजिए जो इस तरीके की जो है लापरवाही बरतते हैं।
जी हाँ, ये एक भ्रांति फैली हुई है कि शराब पीने से, अल्कोहल के इंटेक से वायरस मर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आपके शराब पीने के एक बहाने मात्र से ज़्यादा नहीं है। शराब पीने से वायरस नहीं मरता है। शराब पीने का वायरस के खत्म होने से कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा सर, एक थर्मल स्कैनर से एक हम कभी भी जाते हैं, दुकानों में जाते हैं या बाजार में जाएं, या सीधी सी वो लग रहा है कि जो इसमें गन की तरह उसको प्रयोग करते हैं, गन मशीन की तरह जो थर्मल होता है उसको चेक करते, कहाँ तक सुरक्षित है? मान लें कि अगर हमने इसको चेक करा लिया है और हमें नहीं हो सकता है, या ये क्या है, किस तरीके की ये मतलब लगता है लोगों को? जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। यह जो थर्मल स्कैनर है, यह एक इंडिकेशन तो आपको फीवर का दे सकता है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो इसको आप कोरोना का जांच, जैसे गांव-गांव में आजकल भ्रांति फैली कि कोरोना की जांच में आ गया तो कोरोना हो गया हमको, यह कोरोना की जांच का सूचक नहीं है। इसके लिए भारत सरकार के सारे अस्पतालों में, प्रदेश सरकारों के सारे अस्पतालों में जाँचों की सुविधा निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आप इसकी कोरोना की जाँच कराएँ, उससे आपको पता लगेगा कि आप कोविड-19 का इन्फेक्शन है कि नहीं है। थर्मल स्कैनर मात्र आपका बुखार चेक करने के लिए है। यह कोविड-19 के विषय में आपको ये कतई नहीं बताता कि आपको कोविड-19 है कि नहीं है। सर, एक सबसे बड़ा जो उसमें प्रश्न तेजी के साथ में दवाओं को लेकर लोग वायरल करते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये दवा ले लीजिए, या ये बूटी खा लीजिए, या इस तरीके से कर लीजिए। सर, ये दवाओं को लेकर क्या कोई ऐसी औषधि आ गई है या कोई ऐसी दवा आने वाली है जो इसको लेकर तमाम लोग भ्रांतियां, एक तरीके से भ्रांतियां क्या, क्योंकि भ्रांतियों की सर हमारी बात हो रही है, तो क्या है कुछ ऐसा कि सर कोई दवा आएगी? मतलब मैंने तो फिलहाल नहीं सुना है, लेकिन सर आप दर्शकों को एक बार बता दें कि क्या है इसकी। अभी कोई भी दवा, ऑथेंटिकेटेड दवा निश्चित रूप से नहीं आई है। आयुष मंत्रालय ने यूनानी पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति में कुछ दवाओं को जारी करा है जो बचाव की दवा है। लेकिन अगर आप कहें कि किसी को कोरोना हो गया तो उसकी ये दवा है, तो इस तरह की अभी तक फिलहाल, अभी टेस्ट जरूर चल रहे हैं, टेस्ट अपने फाइनल फेज में पहुँच गए हैं, इंसानों पर शुरू हो गए, लेकिन अभी कोरोना से के इलाज की कोई भी स्पेसिफिक दवा बाजार में नहीं आई है। तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न हो चुका है। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ी आता है कि जो घरेलू, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दादी माँ के जो उपाय थे, तमाम चीज सावधानी बरतना और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, कहीं के सब औषधियां हैं, तमाम दवाएं खा के बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें सर ये किया हुआ, देखिए मैसेज जो इसमें मैंने जो नोट किया है इसमें, कि क्या काली मिर्च जो है भोजन में सेवन करने से कोरोना जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये जरूर होता है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी दादा दादी के नुस्खों से बढ़ती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि कोरोना में, कोविड-19 के इन्फेक्शन में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। जिसकी इम्यूनिटी लो है, देखा गया उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के कोविड-19 के इन्फेक्शन में बचाव की आपको मदद करता है। लेकिन यह वायरस मारने का जो बात है, उसके लिए इस नुस्खे का कोई साक्ष्य अभी तक मौजूद नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें वायरल फीवर और तमाम चीजें फैली हुई हैं, ऐसे में बुखार भी लोगों को अंदर फैला हुआ है। सबसे बड़े जो मच्छर, क्योंकि ये तमाम जगह जहां मुझे ठहराव है पानी का, तमाम जगह आता है कि मच्छर की वजह से भी क्या कोरोना फैलने की संभावना है, या किस तरीके से? अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मच्छर से कोरोना फैलता हो। मच्छर से आपको सावधानी रखनी, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ रहा है, मानसून आ गया है, जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ, तो डेंगू और तमाम अन्य बैक्टीरियल जनित बीमारियां आएंगी। लेकिन यह साक्ष्य अभी तक बिल्कुल कहीं मौजूद नहीं है कि मच्छर कैरियर हो सकता है कोविड-19 कोरोना वायरस का, ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक मौजूद नहीं है। दूसरा सर, जो ब्लीच को लेकर है, उसको तमाम चीजों को इंजेक्ट करने से ये वायरस मरता है, क्या इसको लेकर सर क्या भ्रांति है जो? जी, निश्चित रूप से यह गलत है। ब्लीच के इस्तेमाल से, या ब्लीच के सेवन से, या ब्लीच से नहा देने से आप डिटॉक्सिफाई नहीं होते, आपका वायरस नहीं मरता है, उल्टे है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा के उसमें ड्राइनेस कॉज करके आपके सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो आप इस से बचे, यह एक भ्रांति है, यह एक अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी सर, सबसे बड़ी एक इसमें जो प्रश्न बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा था कि जो कोरोना का मरीज है, उसे अगर होता है तो जीवन भर ये था कि उसके बीमारी का भय बना रहता है, या तमाम चीजें बनी रहती हैं, इसको लेकर तमाम लोगों के मन में एक शंका है, या तमाम चीजें हैं वो, क्योंकि जो हमारे जो मरीज हमारे स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, लोगों से मतलब ये सुनने में कि दूरी बना रहे हैं इस वजह से, कि भ्रांति की वजह से कि साहब उसको हो जाएगा तो ये उससे कभी जाएगा नहीं, तमाम चीजें, इसको लेकर सर थोड़ा सा। हाँ, मैं बता दूं
कि मैं निवेदन दर्शकों से करूंगा कि जिस जो कोरोना का मरीज है क्वारंटाइन सेंटर से अस्पताल से ठीक होकर वापस अपने घर गली मोहल्ले पहुंच रहा है उसका तिरस्कार ना करें। आप इस बात को समझ लें कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है उस व्यक्ति में जो क्वारंटाइन या सरकारी सुविधाओं में रह के प्रॉपर इलाज करा के कोरोना का निगेटिव 2 जांचें करा के जब वो घर लौटता है तो उसको कोई भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो आप किसी व्यक्ति का सामाजिक तिरस्कार ना करें या उसको हास्य का विषय ना बनाएं कि इसमें तो कोरोना होगा, कोरोना उसका खत्म हो चुका है और उसके टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं तभी वो सरकारी अस्पताल सुविधा या क्वारंटाइन सेंटर से फ्री होके आपके या अपने घर मोहल्ले गली में पहुंचा है। सर एक सबसे बड़ा जो प्रश्न बहुत तेजी के साथ में भी वायरल हुआ था कि तुरंत चेक करिए, मतलब जैसे हमारे तो भारत में कभी कोई चीज मतलब आम लोगों में आप प्रचलित में आ जाता है कि तुरंत चेक करिए और तुरंत पता चल जाएगा, तो लोगों ने कहा कि 10 सेकंड तक आप जो है बिना खांसी अगर आए सांस आप रोक ले रहे हैं कि साहब तो उसको भी मालूम होता है कि कोरोना है, लोग ऐसे टेस्ट करने लगे तमाम ऐसे जो सामने आए। तो हमसे कई लोगों ने कहा कि जब डॉक्टर साहब मिले तो ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि ये क्या है वास्तव में या फिर कुछ ऐसे ही मतलब लोगों ने बना कर दिया उसको। मैं मुकेश जी आपको बताऊं कि ये जो तथ्य है जो आपने बताया है ये तथ्य अभी परसों मेरे पास भी फेसबुक पर आया था, ये निश्चित रूप से गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। वायरस का इन्फेक्शन आप जब सरकारी सुविधा में जाके आप कोविड 19 की जांच जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी सुविधा हर राज्य में हर जिले में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर सीएससी पीएससी पर करा रखी है, आप उसका लाभ लें और सीधी तरह से अपनी जांच कराएं और अपने उत्तर को प्राप्त करें और आगे उसी हिसाब से अपने जीवन को अग्रसर करें। इन भ्रांतियों में ना पड़ें कि 10 सेकंड सांस रोक के आप कोरोना का टेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में सर एक बड़ा प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं कि अत्यधिक जो है गर्म पानी से नहाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सब क्या मैं इस तरीके का जो प्रश्न है। ये वही जो मन में व्यक्ति के भ्रांति बैठी है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वायरस मर जाता है, ऐसा आप कतई ना करें क्योंकि एक तो आपकी स्किन ड्राई होगी गर्म पानी के नहाने से, दूसरा आपकी स्किन जल भी सकती है, जो अति उत्साहवर्धक लोग होंगे वो इतने गर्म पानी से नहा लेंगे कि उनकी स्किन जल जाए। तो इस तरह का वो अपने एडवेंचर्स ना करें, इस तरह के जो है वो एक्सपेरिमेंट ना करें। कोरोना को लेकर सर फैला हुआ कि चलो ये करेंगे तो उससे सब खत्म हो जाएगा, किससे हैंड हाँ हाँ एक ये भी फैला और कई लोगों ने अपनी दुकान पे लगा रखा है उन्होंने हैंड ड्रायर रख दिया कि हैंड ड्रायर के इस्तेमाल से वायरस जो हाथ में होगा वो खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायरस हट सकता है जब आप किसी डिसइंफेक्टेंट से अपने हाथ को पानी में 20 सेकंड तक लगातार ये पूरा पलट के वॉश करते हैं तभी जा सकता है, या जो हैंड ड्रायर्स लगा रखे हैं गली मोहल्ले में दुकानों पे भी लोगों ने लगा रखे हैं इसका कोई महत्व तो नहीं है। WHO भी इसका खंडन करता है, भारत सरकार भी इसका खंडन करती है और यह मेडिकली गलत भी है, जरूरी है सावधानी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद सर एक प्रश्न आता है कि लहसुन खाने से, मतलब लहसुन तो सभी के घर में है और कहते हैं कि लहसुन खाने से भी कोरोना भाग जाता है, सर इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये भी एक बहुत बात चल रही है कि साहब लहसुन खाने से कोरोना का वायरस शरीर में मर जाता है, यह पूरी तरह गलत है और बल्कि मैं कहूंगा कि आप लहसुन वगैरह का इस्तेमाल कम करा करें। उसका रीजन है क्योंकि यह बहुत स्ट्रांग परगेटिव होता है, इसकी बहुत तेज महक होती है, यह आपके सेंसेस और बॉडी सिस्टम को भी ऑल्टर करता है, यह सब औषधियां या सब मेडिसिन है समझिए, और हम सब जानते हैं दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल घातक होता है, तो लहसुन वायरस को नहीं मारेगा लेकिन आपके सेंसेस को ऑल्टर करके आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो लहसुन है, प्याज है, दालचीनी है या जो स्ट्रांग परवेगेटिव हैं, तेज महक वाली चीजें, इनका इस्तेमाल आप वक्त छोड़ के करें, रेगुलर बेसिस पे ना करें, इससे आपको शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत से लोग ढेर सारी एंटीबायोटिक ले आते हैं, मुझे लगता है वो आयुर्वेदिक भी खाते हैं, होम्योपैथी भी ले लेते हैं, एलोपैथी भी ले लेते हैं, तमाम झौवा भर मतलब कहने मतलब झोला भर के लोग सब्जी की तरह इस समय एंटीबायोटिक घरों में ले जाके खा रहे हैं, मतलब वो लगातार मैसेज उनके पास आता है, जो ये नहीं सोचता है कि डॉक्टर से सलाह ले ली जाए कि किस तरीके से खाना चाहिए क्या है, ये इसके बारे में सर लोगों को जो भ्रांति है उसको बता दीजिए। देखिए आपको बता दें जो कोविड 19 का वायरस होता है ये वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, तो एंटीबायोटिक खाने से तो आपको कुछ होना ही नहीं है, वो तो बैक्टीरिया पे एक्ट करती, वायरस पे करती नहीं है, तो आपका आधार ही गलत हो गया। दूसरा, बहुत ज़्यादा इन दवाओं का इस्तेमाल और स्वयं मेडिकेशन से आप अपनी लिवर किडनी को भी नुकसान पहुंचा देंगे,
तो आप ऐसा न करें, कुशल चिकित्सक के परामर्श के बाद ही कोई स्टेप लें, जो स्वयं मेडिकेशन ना करें और एंटीबायोटिक्स के सारे कोविड 19 से आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती हैं और यह वायरस का जनित डिजीज है। तो सर देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं और सावधानी ही मात्र इसका एक बचाव का उपाय है। ये लगातार हम डॉक्टर साहब के माध्यम से जब भी हम आपसे रूबरू हुए तो हमेशा यही कहते रहे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और लगातार सरकार से लगा के सभी लोग इस बात को कहते भी रहते हैं, तमाम उसको लेकर अलग अलग लोगों जो हैं समाज से भी, वो भी सभी लोगों को समझाते हुए भी नजर आते हैं, सभी अपने अपने जिम्मेदारी को संभालते हुए हम बात को कहते भी हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, उसका परिणाम भी गलत होता है। यानी कि जो तमाम जैसे प्रश्न ये पैदा होते हैं जो आपके सामने आया, डॉक्टर साहब ने आपसे हमने साझा किया और आपको बताया भी किया। सर इसमें सबसे पहले कि कब हमें कभी कभी लग जाता है कि मुझे हुआ है लेकिन लोग डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात उठाई मुकेश जी, और मैं आपकी बात का अर्थ भी समझ गया हूँ। आप होम क्वारंटाइन के विषय में बात कर रहे हैं, इसमें दो विषय बनते हैं। पहला विषय बनता है कोई बाहर से होकर आया, और बाहर से होके आने के बाद जब वो क्वारंटाइन होके आया या पहले उसको इन्फेक्शन था अस्पताल से, वो जब 14-15 दिन बाद घर आया तो उसको होम क्वारंटाइन रहना भी मैंडेटरी होता है। या आपको खांसी जुकाम सीने में जकड़न सांस फूलना शॉर्ट ब्रेथ पूरा सांस करना समाना, यह स्थितियां अगर हैं तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। अब होम क्वारंटाइन में आपको क्या करना है, कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको आप एक अलग कमरे में रख दें, उसके कमरे को सेपरेट कर लें, उसके बर्तन को अलग कर दें, उसके बर्तन नियमित रूप से धुलवाते रहें, उसके कपड़ों को अलग कर दें, किसी को उसके पास न जाने दें, उनको अपना अलग कमरे में सुकून से बैठने दें, उनका 2-3 टाइम टेम्परेचर को मेजर करके उसका एक चार्ट बनाते रहें और उनको हाइजीनिक रखते रहें। अब एक स्थिति ये आती है कि मान लीजिए किसी के घर एक ही कमरा है जिसमें पूरा परिवार रह रहा है, तो भी उनको एक कोना आप निर्धारित कर दें, उस कोने में उनको रखें, उनको आप पूरे जो है पूरे कमरे में घूमने ना दें, उनके बर्तनों को अलग कर दें, उनके टॉवेल को अलग कर दें, उनके कपड़ों को अलग कर दें, उनको अलग कर दें, और किसी को उनसे मिलने को, किसी को अपने घर उस समय ना बुलाएं जब आप क्या अभी अभी अस्पताल से आया हुआ कोई मरीज हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो वो घर पे हो। तो होम क्वारंटाइन में सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी गलती जो 7-8 लोग और आपके मकान में है, आपके घर में है, आपके कमरे में है, उनको भी आप बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें से सबसे बड़ा जो फेस्टिवल चल रहा है, मतलब एक कह सकते हैं कि शादी ब्याह का चल रहा है, लोग बाकायदा इसके लिए दिशा निर्देश भी, उसके बाद भी लोग सावधानी नहीं बरतते, तो सर सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है कि शादी ब्याह में जब जाएं तो क्या किस तरीके से सावधानी बरतें दूल्हे वाला और दुल्हन वाले भी। सबसे बड़ी सावधानी मुकेश जी इसमें यह है कि आप ज्यादा लोगों को ही ना बुलाएं, 50 लोग या सरकार ने जो भी इसके लिए नियम निर्धारित करा है आप उसका फॉलो करें, ना ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, ना लोगों से आपको परेशानी होगी, ना आप लोगों को परेशानी देंगे, क्योंकि ये सामाजिक दिखावे का वक्त अब नहीं है। एक ट्रेंड चला था हिंदुस्तान में, लोग शक्ति प्रदर्शन करते थे, लोग इसको शक्ति प्रदर्शन मानते थे कि शादी में 4,000 लोग आ रहे हैं, 5,000 लोग आ रहे हैं, 8,000 लोग आ रहे हैं, तो ये वक्त इस दौर का नहीं है, ये वक्त ये करने के लिए नहीं है। इस वक्त आपको बहुत ही सीमित लोगों को बुलाना है, और मैं तो कहूँगा चुपचाप मंदिर या मस्जिद जहाँ भी आपको निकाह करना है शादी करनी है चुपचाप 2-4 सगे संबंधी से कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली में वर और वधू इन्हीं दोनों लोगों का शादी का काम है, इन्हीं यही दो लोग शादी के रिजल्ट हैं, यही दो लोग शादी के बेनिफिशरी हैं। तो परिवारों का मिलन बाद में भी हो जाएगा, इन दोनों का मिलन आप होने दें और परिवारों का मिलन वक्त पे छोड़ दें, सब हो जाएगा जब वर वधू आपस में सामंजस्य बिठाए रहेंगे। तो कम से कम लोगों को बुलाएं, वही सबसे बढ़िया उपाय है कि इन मांगलिक कार्यक्रमों से इन्फेक्शन समाज में ना फैले। हालांकि ये देखा गया है कि लोग फिर लोगों को बुलाने लगे, फिर पार्टियां होने लगी, फिर लोग जमा होने लगे, वो कैमरे पे नहीं आने देते ज्यादा लोगों को, लेकिन लोग बहुत सब जगह पहुंच रहे हैं, यह पूरी तरह गलत है, अनएथिकल है और यह नहीं होना चाहिए। दूसरा डॉक्टर साहब, तमाम चीजें सीजन शुरू हो चुका है, लोग घरों से निकल गए, घरों से निकल रहे हैं, तो उनके लिए
जब शॉपिंग करने जाएं खास तरीके से, तो अपने साथ में किस तरीके से क्या सावधानी बरत सकते हैं और क्या चीजों को लेके वो प्रयोग उसका हाँ। जो कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा बहुत बहुत अच्छी बात दर्शकों के लिए आपने उठाई है। देखिए शॉपिंग करने आप जाएं, एक तो आप भीड़ लेके ना जाएं, बच्चों को लेके ना जाएं। देखा गया है छोटे छोटे बच्चों को लोग मॉल लेके फिर जाना शुरू करें, हालांकि सरकार ने बैन कर रखा है, 10 साल से नीचे के बच्चे मॉल में अलाउड नहीं है। वहां जाते तो सिक्योरिटी गार्ड कोने में आपको बैठा देता है, लेकिन वो भी आपको शिष्टाचार बस एक कमरे में बैठाएगा। तो बच्चों को मॉल ना ले जाएं, ये पहली बात है। ज्यादा देर ना रुकें, जितना सामान लेना है उतना सामान ले चले आएं, ज्यादा चीजों को ना छुएं। आप छुएंगे तो आप कहीं ना कहीं इन्फेक्शन दे रहे होंगे या इन्फेक्शन ले रहे होंगे। कपड़ों की जहां तक बात है, ट्रायल ना करें कपड़ों का, क्योंकि किसी से आपको दिक्कत हो सकती है क्या, या आपसे किसी को दिक्कत हो सकती है। तो कपड़ों का ट्रायल ना करें, सीधे अपने नाप का कपड़ा खरीदें, और ना समझ में आए तो थोड़े दिन ना खरीदें। तो यह सब आप सावधानी रखेंगे तो आप इस दिक्कत से भी बचे। ये बिल्कुल सार्थक बात है। दूसरी डॉक्टर साहब, इसमें हम जब शाम में निकलते हैं तो लखनऊ का मौसम मतलब खुशनुमा हर किसी के लिए होता है, तो जाता है सीधे, वो नहीं देखता कि कहाँ पे खाना है क्या नहीं, उठने ठेले लगे हुए वहाँ पे सीधे खाना शुरू कर देता है, तमाम चीजें हैं। तो क्या किस तरीके से उसको हम लोग सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या वाकई में वहाँ पे खाना चाहिए या फिर उसको सावधानी पूर्वक खाना चाहिए या फिर घर में ले जाके किस तरीके से आप उसको समझाना? देखिए जुबान अपनी जगह है, सेहत अपनी जगह है। जब सेहत अच्छी रहेगी जुबान को आप कभी भी ट्रस्ट कर लेंगे। अभी आप इन बातों को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आप अनावश्यक रूप से घर के बाहर निकलेंगे, एक वो इन्फेक्शन का कॉज हो गया, दूसरे बाद आप ऐसी जगह जाएंगे जो सैनिटाइज प्रॉपर ना हुई हो तो वो एक नुकसान हो गया इन्फेक्शन का, और तीसरी चीज आप वैसा खाना खा के अपनी इम्यूनिटी को भी वीक करेंगे। तो बेहतर होगा आप घर पर रहें। स्ट्रीट फूड का जो चलन है हिंदुस्तान में, भारत में, इसको अभी थोड़ा सा अवॉइड करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप से बाहर ना निकले। दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा आता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो आदतन हम किसी चीज को, जैसे बैठे हुए हैं किसी की गाड़ी पे तो हम टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, उसको छूना शुरू कर देते हैं, या पर कहीं होता है हमने उसका हैंडल हमने ऐंठना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने में। ये क्या आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं? नहीं नहीं मुकेश जी, आप हमारे दर्शकों पर हर बात पे ध्यान दिला दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पर ये अच्छी बात है। ये बहुत गलत है, क्योंकि जो COVID-19 का इन्फेक्शन होता है वो वायरस जो है वह जैसे थूक से फैलता है, सलाइवा से फैलता है, कोई खांसा चीका तो वायरस आ गया। तो जो है अगर आप ऐसे अनावश्यक किसी चीज़ को छुएंगे, हो सकता है वायरस कहीं पर हो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता वो कितनी देर सर्वाइव करता है बाहर ओपन एनवायरनमेंट में। तो आपको इन्फेक्शन इसका हो सकता है वो आपके हाथों में आएगा जब आप टेक लगा के खड़े होंगे, और वो हाथों से जब आप अपने नाक मुंह या आँख को मलेंगे तो वो आपके शरीर में चला आएगा और आपको COVID-19 से इन्फेक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस समय कौन सी चीज हम खाएं, क्योंकि मौसम भी चल रहा है इन्फेक्शन वाला, और ऐसा ना हो कि सर्दी जुकाम हो जाए, तमाम चीज की कौन सी चीज खाएं कौन सी चीज ना सेवन करें, ये एक कहने की, क्योंकि जो जिस तरीके से इन्फेक्शन का दौर चल रहा है, बीमारियों का दौर चल रहा है, ऐसे में COVID-19 और तमाम चीजें इकट्ठा है, तो खान पीन में भी किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए हमें, सुबह और शाम रूटीन थोड़ा सा ये भी सब बता दें दर्शकों। खान पान में मैं आपको बताऊं साथियों, आपको अपने खान पान को संयमित रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात, घर में जैसे जो काढ़ा नुमा दादा दादी के नुस्खे होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करें, उन नुस्खों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी काली इलायची, जावित्री, जायफल जैसा आपने जिक्र करा, लहसुन, और तमाम इस तरह की शहद, दूध, हल्दी, तमाम इस तरह की अदरक, नींबू, यह सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। जो भी आपको उपलब्ध हो, अपना चाय बना के, आप तमाम आजकल वीडियो गूगल और सब पे मौजूद हैं, या हम लोग के साधु संत, भारत का जो इतिहास है वहाँ तो गौरवशाली रहा है, तमाम ऐसे साहित्य लिखे हुए हैं जिसमें एक से एक इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण हैं। थोड़ा सा आप चीज़ों को गूगल करेंगे तो जो भी हमने पदार्थ बताए यह सब आपको मिलेंगे, और इससे आप इम्यूनिटी बूस्टर बना के उसको काढ़े या चाय के रूप में पिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। और फल का सेवन जी भर के करें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बिल्कुल, फल का सेवन खूब करें, जम के करें। सर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आता है इस समय का, मुझे लग रहा है कि ट्रेवलिंग, लोग इस समय यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस समय घर से निकलते समय, या किस तरीके से क्या अपने साथ रखें क्या ना रखें, और किस तरीके से पूरी यात्रा को करना चाहिए ताकि ये तमाम जो वायरस है कहीं उसे दूर रखें। जब यात्रा करते हैं तो लोगों के पास बैठते भी हैं, तमाम चीजें ऐसे में संभावना रहती है। देखिए पहली बात तो ये है,
अनावश्यक यात्रा ही ना करें। अभी देखिए कि ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, एरोप्लेन वगैरह पे आगे के लिए भी लगा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इससे आप बात की गंभीरता को समझ लीजिए। अनावश्यक रूप से ट्रैवल ही ना करें, और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रॉपर हाइजीन रखें, प्रॉपर सफाई रखें, इधर उधर चीज़ों को टच ना करें। जहाँ आपको सामान लेने जाना है या जो मकसद है ट्रैवल का, उसको पूरा करें और चुपचाप अपने घर पर आ जाएँ। बस यही सावधानी, हैंड्स को वॉश करते रहें, टिफ़िन वगैरह जो आप खाएं उसका सावधानी रखें, आप कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरह स्थिति में वो आपके सामने रखा गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको बेहतर। बिल्कुल। दूसरा सर, बर्थडे पार्टी भी होती है, थोड़ी इसके बारे में सावधानी से बताना भी जरूरी है। बर्थडे पार्टी भी होती है, बर्थडे पार्टी में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाके हम किस तरह की सावधानी बरतें? यहाँ पे मैं आपके सवाल को थोड़ा सिरे से खारिज करूंगा। बर्थडे ही अभी आपको मनाने की जरूरत नहीं है, आपका अपना परिवार बहुत है। अगर किसी की बर्थडे अभी है, जन्मदिन है, तो आप अपने परिवार, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, जो एक दो आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ ही मना लें। अभी आपको रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं, और शायद सरकार ने इस पर अभी रोक भी लगा रखी है, तो अभी ये गैर जिम्मेदाराना बात होगी कि अगर आप बाहर जाके अपने जन्मदिन को मनाते हैं। जीवन आएगा, जीवन में कई ऐसे कई बार आएंगे, तो जिए हजारों साल, 10,000 लीजिएगा, लेकिन इस समय COVID-19 की स्थिति में इन सब दिखावे वाले पाश्चात्य संस्कृति की स्थितियों में ना पड़िए। बिल्कुल, ये सच है कि दिखावे चीजों में ना पड़िए। कुछ प्रश्न थे, कुछ सवाल थे, क्योंकि जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे थे उससे उपजे हुए ही ये कुछ प्रश्न थे, और उससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियां भी थी जो हमने आज डॉक्टर साहब से साझा की, और डॉक्टर साहब ने उनको बखूबी बताया भी। और ये सच है कि जरा सी हल्की सी असावधानी जो है वो सबके लिए आफत बनती है, क्योंकि अगर एक चैन बन गई तो वो फिर सभी से होते हुए वो रास्ता अख्तियार कर लेती है, जिसकी पटरी से फिर सबके लिए हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर उमंग खाना साहब, जो भारत के जाने माने डॉक्टर हैं और हमेशा लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देते रहते हैं, लोगों के लिए हमेशा दुआ भी करते हैं, कि क्योंकि नारा ही इनका यही है कि हमारा स्वस्थ भारत रहे और बेहतर भारत रहे, स्वच्छ भारत रहे, सब तंदुरुस्त रहे। फिलहाल हम एक नए और बेहतर विषय के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे कि आपने इतना कीमती अपना वक्त दिया और हमारे दर्शकों को आपने तमाम भ्रांतियां और सावधानियों से अवगत कराया।